देखिए प्रश्न सातवां का पहला है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 40 तथा गुणोत्तर माध्य 32 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्या अभी पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना संख्याएं क्या है, ए व बी है। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं चूँकि ए बड़ा बी, हम क्या करेंगे, ए बड़ा है बी से, ठीक। तो माना संख्या है माने ए और बी। अब देखिए दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है, 40। तो इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य बराबर कितना दिया है, 40 प्रश्न में। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला पता है क्या, ए प्लस बी बटा दो, क्लियर। समांतर माध्य का फॉर्मूला ए प्लस बी बटा दो बराबर क्या हो गया, 40। तीरा गुणा करेंगे 40 दूनी 80, तो ए प्लस बी बराबर 40 गुणा दो हो गया, मतलब ए प्लस बी बराबर आया 80। इसको हम लिख देते हैं समीकरण एक, क्लियर हुआ। फिर बोला है गुणोत्तर माध्य, देखिए गुणोत्तर माध्य 32 ये दिया है, गुणोत्तर माध्य बराबर 32। तो गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या होता है, कर्णी ए बी, क्या होता है, कर्णी ए बी। तो कर्णी ए बी बराबर क्या हो गया, 32। अब ध्यान देना, ये वर्गमूल को पक्षांतर करेंगे तो वर्ग हो जाता है, तो हम इधर लाएंगे तो 32 का क्या हो जाएगा, वर्ग। वर्गमूल को पक्षांतर करने पर वर्ग हो जाता है, या आप दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करेंगे तो ये कट जाएगा। तो 32 के स्क्वायर, तो 32 दूनी 64 नहीं करना है आपको, क्या करना है, 32 गुणा 32। तो 32 गुणा 32 करेंगे तो इसका कितना आएगा, ये हो जाएगा, या तो आप 32 दूनी 64 की 4 और 6, 32 दिया 96, 400, 102, 1024 आएगा इसका। तो देखिए यहाँ से क्या क्या निकल गया हमारे पास, a प्लस बी निकल गया और ab निकल गया। तो जब भी a प्लस बी और ab निकले तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये क्या है, फार्मूला है। अब मान रखते हैं इसमें, तो देखिए a प्लस बी का मान कितना है, 80, यहाँ पर हम रख देंगे 80 का स्क्वायर हो गया। 4ab, ab का मान कितना दिया है, 1024, ये हो जाएगा 1024, ठीक है। 4 अपने जगह में है ना, ए बी का 1024, तो 80 का स्क्वायर, तो 80 दूनी 160 नहीं करना है, 80 गुणा 80 करना है आपको, 80 गुणा 80। इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16 की 6, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 शून्य 0, 4 एकम 4, और इसका हो जाएगा 8 8 64 100 माइनस 4096। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको घटाते हैं तो ये 6400 में हम 4096 घटा देते हैं, 10 में 6 गए 4, 10 में 10 गए 0, 4 में 1 गए 3, 6 में 4 गए 2, कितना बचा, 2304। अब a माइनस बी का मान निकालेंगे, फिर बताइए वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाता है, वर्गमूल। तो अब 2304 का वर्गमूल निकालना है, तो आप इसको वर्गमूल आप निकाल लेना, इसका वर्गमूल आएगा इस प्रकार करके, दो विधि है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो आप गुणनखंड करके मान ली निकालिए, दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंचे दस, दो दूनी चार, ये हो जाएगा दो पंचे दस, एक दो सत्तर चौदह, दो छक्के बारह, ये हो जाएगा दो दूनी चार, दो अट्ठे सोलह, एक दो अट्ठे सोलह, दो एकम दो, दो चौक आठ, दो चौक आठ, ये हो जाएगा दो सत्तर चौदह, दो दूनी चार, दो तीन छः, एक दो छक्के बारह, ये हो जाएगा दो अट्ठारह छत्तीस, दूनी अट्ठारह, तीन तीन नौ और तीन एकम तीन, ये गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि भी होता है। तो इसका देखिए वर्गमूल कैसे निकलेगा, जोड़ा जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बनेगा, फिर इसका एक जोड़ा, फिर इसका एक जोड़ा, फिर इसका जोड़ा, एक जोड़ा। तो क्या क्या है देखिए, दो दो दो, तीन बार दो आया, चार बार दो आया है, और एक बार क्या है, तीन आया है, ठीक है। दो अठवा उसको एक बार लिखते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ सोलह, सोलह दिया 48। तो कितना आ गया इसका, ए माइनस बी बराबर कितना आया, 48। इसको हम क्या लिख देते हैं, समीकरण दो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण एक और दो को जोड़ना है, समीकरण एक प्लस समीकरण दो। क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि विलोपन विधि, समीकरण एक में आपका है a प्लस बी बराबर 80, समीकरण दो में आया a माइनस बी बराबर 48। ये समीकरण एक है, a प्लस बी बराबर 80, तो दोनों को जोड़ रहे हैं विलोपन विधि से, तो जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, इसको जोड़ रहे हैं तो ये 8 8 4 12। ए का मान निकालेंगे, दो का आएगा इसके नीचे, तो दो छक्के बारह, दो चौक आठ, तो ए बराबर कितना आ गया, 64। क्लियर हुआ। अब ए का मान चाहे समीकरण आप एक में रखें चाहे दो में रखें, तो ए का मान हम किस में रखें, समीकरण एक में रखें, तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक
में रखने पर। तो समीकरण एक ये है, ए प्लस बी बराबर अस्सी, ए प्लस बी बराबर अस्सी। ए का मान कितना है 64 प्लस बी बराबर अस्सी, तो बी बराबर हो गया 80 प्लस का उल्टा माइनस, तो बी बराबर हो जाएगा 64 6 70 10 80 मतलब बी बराबर 16। क्लियर हुआ 64 6, तो ए का मान 64 और बी का मान 16। तो देखिए बताया था अतः अभीष्ट संख्या क्या क्या है, अतः संख्या है क्या क्या है, ए का मान 64 और बी का मान 16। ये ए का मान 64 बी का मान 16 वैसे ही बताया शुरू में, ए बड़ा बी लिखे थे ना, तो देखिए ए का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है। ठीक, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इससे रिलेटेड सवाल को बनाना है।